हफ्ते भर अस्पताल में रहना पड़ा। जो भी औरतें अस्पताल मिलने आती उनकी बातों से यही लगता था कि लड़की बचेगी नहीं, और ये अच्छा ही होगा। लेकिन लड़की बड़ी जीवट जीव हुआ करती है। मेरी मुनिया, मेरी गुड़िया बच गई, पर बेटी पैदा होने से मानो आंगन उल्टा बोलने लगा। बच्ची का जन्म मतलब शोक दिवस, उत्साह खुशी का इन मरे हुए मुहूर्तों से क्या मेल? एक अजीब सा तनाव। नहीं, अपनी लाडली का ये तिरस्कार मैं नहीं सहूंगी। क्या हुआ, बड़ी नाराज लग रही हो तुम? हाँ, मुन्नी को लेकर लोग अजीब सा व्यवहार करते हैं, कुछ भी कह देते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब जो कहता है उसे कहने दो, मैं तो कुछ नहीं कहता। तुम कुछ कहते ही कब हो, बस कहने देते हो। अब कहने देना भी क्या दूसरी तरीके से कहना नहीं हुआ? ये लड़की होके जन्मी, इसमें इसका क्या दोष? इसके तो हाथ में नहीं था, ना उसकी माँ के हाथ में था। कैसा मजाक है, औरत होने का दोष भी औरत के ही सिर। अब मुंह लगो फिर बदनामी कराओ। मैं अगर बेटी को बेटे के बराबर मानता हूँ तो ये जरूरी नहीं कि दूसरे लोग भी यही माने। क्यों नहीं मानेंगे, जरूर मानेंगे। मैत्री, वो हमारे सामने तो ऐसा ही दिखाएंगे, लेकिन पीठ पीछे सदियों से चली आ रही सभ्यता को एक झटके में नहीं बदला जा सकता। सच्चाई ये है कि आज भी बहुत सारे लोग औरत जात को मान महत्व नहीं देते हैं। हम समाज में रहते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि हमारा ये समाज नई शिक्षा, सभ्यता और तकनीक को तो मान्यता देता है, लेकिन उसको अपनाना नहीं चाहता। और सच्चाई ये भी है कि भारतीय समाज कभी भी नवयुवक नवयुवतियों का समाज तो रहा ही नहीं, ये हमेशा से सिर्फ बड़े बुजुर्गों का समाज रहा। ठीक है, मुन्नी मेरे कोख से जन्मी है, मेरा खून पानी पाकर इस संसार में आई है, मेरा दिल दिमाग पाया है, तो मैं इसे हर हालत में संभालूंगी, मान महत्व दिलवाऊंगी। ठीक है, एज यू विश। ससुर जी इस भोली के सिर से सूतक उतरवाना चाहते हैं। लड़की हुई तो क्या, पहली संतान है, 4-6 घनिष्ठ लोगों को खिलाना पिलाना पड़ेगा। मुझे माता जी का इंतजार है, अब तक तो नहीं आई, मालूम नहीं उन्हें खबर पहुंची भी या नहीं। लखनऊ में कहाँ रहती है कोई पता ही नहीं है। बहू, अरे देखो तो, तुम्हारी माँ ने नम्रता के लिए डलिया भेजी है। देखो सोने के चंदा, सूरज, ताबीज कितना अच्छा है। अरे सोने की कौचियां भी भेजी हुई है उन्होंने। अरे देखो कितने अच्छे भेजे हैं, जूता, मोजा, टोपा, सूट, उसके लिए कितना कुछ भेजा है उसकी नानी ने। अरे भैया, अब जो कुछ मन पड़ता है बेचारी से वो करती है। ये सब अम्मा ने भेजा है, कौन लाया था? अरे भाई, बस स्टैंड से खबर आई थी कि सामान आया है, तो रमेश जाकर ले आया। अम्मा के पास इतना पैसा कहाँ से आया लुटाने के लिए? कहीं जा रहे हो? हाँ, एक जरूरी ऑपरेशन के लिए जा रहा हूँ, घंटे दो घंटे में वापस आऊंगा। अरे नामकरण का मुहूर्त तो 12 बजे का है ना। अब देखो पंडित जी किस राशि से नाम रखने को कहते हैं, वैसे तपस्वनी नाम कैसा रहेगा? वो सब बाद में, पहले ये बताओ कि नामकरण का सामान अम्मा ने किसके हाथों भेजा था? देखो तुम बुरा तो नहीं मानोगी, बताओ ना। अम्मा ने कुछ नहीं भेजा। समझी, मतलब तुम लाए हो सब कुछ। अरे तो इससे क्या हो गया? मेरी माँ की छवि को तोड़ने की झूठी कोशिश की है तुमने, जिन सिद्धांतों के लिए वो जिंदगी भर लड़ती रही उसी के खिलाफ जाकर। तो इससे क्या हो गया मैत्री, कि तुम मुझे पसंद नहीं कि जैसी वो नहीं वैसा तुम उन्हें दिखाओ। उस औरत के पास अपने मूल्यों, विचारों और सिद्धांतों के अलावा कुछ भी नहीं है, तुमने उसकी भी हत्या करने की कोशिश की। मैत्री, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की इज्जत और आस पड़ोस का ख्याल किया। तुम्हारे आस पड़ोस की इज्जत यदि मेरी माँ की अमीरी के दिखावे पर निर्भर है तो कैसी है उनकी इज्जत?
मेरी माँ की भावनाओं और सहज सरल प्रेम का कोई मूल्य नहीं। देखो मैत्री, हम अपनी बिटिया का 10 टॉन करवा रहे हैं, कोई माने या ना माने, मैंने अपने पिताजी को इस उत्सव के लिए राजी किया है। हमारी बिटिया को जन्म से ही धिक्कार मिला और तुम उदास हो गई थी। देखो ये समाज एक दिन में नहीं बदल सकता, इससे आहिस्ता आहिस्ता ही निकला जा सकता है, एकदम से छलांग फलांग मार के नहीं निकल सकते हम। तो इसी कोशिश में तुमने माँ की तरफ से ये सारा सामान भेजा था? ऑफ कोर्स। देखो मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले माता जी की तरफ से ही उसको उपहार मिले, नहीं तो आजकल के जमाने में बिटिया के जन्म पे उपहार देता है कोई? देखो मैं जानता हूँ कि माता जी के सिद्धांत इन सब लेन देन के बिल्कुल खिलाफ, मगर मैं ये चाहता हूँ कि ये सब उपहार उसके जीवन में माता जी की तरफ से एक प्रतीक की तरह रहे और वो भी उन्हीं की तरह कर्मठ बने। ग्राम सेविकाओं की नौकरी बहाल करो। बहाल करो, बहाल करो। हम दाई नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। ग्राम सेविकाएं पीछे नहीं हटेंगी, नहीं हटेंगी, नहीं हटेंगी। नौकरी हमारी बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। मिडवाइफ बनाना साजिश है, साजिश है, साजिश है। महिला शक्ति जिंदाबाद। पैर में बहुत तेज चुभ रही है, लगता है पैर कटवाने ही पड़ेंगे। क्या कह रहे हैं दीदी, चलिए अस्पताल चलते हैं। नहीं गौरा, ये अस्पताल जाने का समय नहीं है, अभी तो आंदोलन शुरू हुआ है। और अगर मैं अभी अस्पताल चली गई तो लोगों को ये लगेगा कि मैं डर के बीमार पड़ गई। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर बेफिक्री भी तो ठीक नहीं है, जवानी में तो चल जाता था, लेकिन अब आपकी उम्र हो गई है। बहन जी, क्या बहुत दर्द हो रहा है? तुम लोग चिंता मत करो, नारे जारी रखो। ग्राम सेविकाएं पीछे नहीं हटेंगी, नहीं हटेंगी, नहीं हटेंगी। हमारी नौकरी बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। हम दाई नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। टेलीग्राम बहू, देखना टेलीग्राम आया। आई। क्या हुआ? अम्मा बीमार है, अस्पताल में भर्ती है। सब्र से काम ले। देखो ये सब तो होता रहता है, और वैसे भी समधन जी के बारे में क्या कहें, उन्हें ना खाने की फिक्र है ना सोने की फिक्र है। तुम एक काम करो कि रमेश को लेकर जाओ और उन्हें देखा, ठीक है बेटा? जाओ जल्दी से तैयारी करो, जाओ। जरा दिखा तो नम्रता का चेहरा। ओ कितनी प्यारी है, ला जरा गोद में तो दे। नहीं नहीं, आप लेटे रहिए, मैं बीमार थोड़ी हूँ। नहीं नहीं, आप लोग बातें करिए, लाओ मैं मुनिया को टहला कर लाता हूँ, तब तक डॉक्टरों से भी बात कर लूंगा, मेरे 2-3 दोस्त हैं यहाँ। अरे चलो, चलो। ओ, ओ, नहीं चलो। क्या कहा है डॉक्टर ने? अब वो क्या कहेंगे, मैं कह रही हूँ ना सुई पैर में चुभी हुई है, लेकिन ये लोग मानने को तैयार ही नहीं है। कहते हैं कि पहले एक्सरे रिपोर्ट देखेंगे और अगर सुई दिखी तो ऑपरेशन करके निकालेंगे। एक बार निकल जाए तो ठीक ही होगा, क्या पता, अब तो सुई के साथ जीने की आदत सी हो गई है। दर्द होता है ना तो जीने का एहसास भी लगा रहता है, तो ऐसा लगता है कि कहीं सुई निकल गई तो ऐसा ना लगे कि प्राण ही निकल गए। पता चला आप किसी धरने में बैठी थी, वहीं से उठा कर ले आए आपको। ग्राम सेविकाओं की नौकरी खत्म की जा रही है, मैंने उनका विरोध किया तो मेरी भी खत्म कर दी। कौन करवा रहा है ये सब? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके हिसाब से औरतों का दफ्तरों में और रूरल डेवलपमेंट ऑफिस में कोई काम नहीं है। औरतों को या तो मिडवाइफ बन जाना चाहिए या तो फिर घर पर बैठे रहना चाहिए। ऐसा क्यों? अब ये उनकी सोच। अरे उनके हिसाब से तो अगर घर से औरतें बाहर निकल गई तो घर का काम कौन करेगा, बच्चे कौन पालेगा? अजीब आदमी है, कैसे बन गया ये मुख्यमंत्री? अरे ये बूढ़ा दक्यानुस एक किसान था, किसी तरह से जुगाड़ तुगाड़ लगाकर मुख्यमंत्री बन गया। लोग कहते हैं पढ़ा लिखा है, पर मुझे तो नहीं लगता। अशिक्षित ही होगा, इसीलिए तो औरतों की योग्यता और शिक्षा पर
भरोसा नहीं करता। ऐसे इंसान का तो जमकर विरोध करना चाहिए। वही तो कर रहे हैं हम लोग। एप्लीकेशन दिया है, उज्र किया है, और उसकी तोहमत तो देखो, कहता है ग्राम सेविकाएं डबल नुकसान कर रही हैं, उनकी वजह से काम की गति धीमी हो गई है, और दूसरा ये कि ग्राम सेविकाओं की वजह से लाखों नौजवानों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। नालायक। मैंने तो तय कर लिया है, मैं मरते दम तक इस चीज का विरोध करूंगी। आज हमारे धरने का 10वां दिन था, वहीं पर पैर में दर्द उठा तो गौरा ने मुझे यहाँ जबरदस्ती एडमिट कर दिया। शायद उसी ने तुझे टेलीग्राम किया होगा। अच्छा हुआ हम आ गए, इतना बड़ा संकट, ऊपर से पाँव में सुई। अब पता लगा लेंगे कि सुई है कहाँ और ऑपरेशन करा देंगे। अच्छा अभी सुई हुई को गोली मार, और सुन अगर रमेश की पहचान मुख्यमंत्री तक है ना, तो हमारी बातें और हमारे तर्क उस तक पहुँचाने का इंतजाम कर। पूछ कर देखूंगी। कैसी कमजोर सी हो गई हो तुम। अब यहाँ पड़ी पड़ी कमजोर तो हो ही जाऊंगी ना, और फिर ये लोग मुझे डिस्चार्ज भी नहीं कर रहे, बस आजकल यही लगा रखा है। मैत्री मुझे तो शक है कि कहीं मुख्यमंत्री के कहने पर इन लोगों ने जबरदस्ती मुझे यहाँ पकड़ के तो नहीं रखा। ऐसा क्यों? ताकि ग्राम सेविकाओं का आंदोलन जोर न पकड़ सके। ज्यादा मत सोचो अम्मा। कैसे ना सोचूं मैत्री, लोग कहते हैं देश आजाद हो गया है, लेकिन क्या सिर्फ मर्दों का आजाद होना ही देश का आजाद होना है? औरत तो आज भी गुलाम है। हम लड़ेंगे, साथ मिलकर लड़ेंगे, जैसे अंग्रेजों से लड़े थे। अच्छा सुन, तू रमेश से कहकर कुछ हथगोलों का इंतजाम करवा सकती है क्या? अम्मा क्या बेकार की बात कर रही हो। अम्मा जी ये खुशखबरी है, अब आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस कुछ दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। अच्छा ये लो सामान। मुझे नहीं लगता है सुई जैसी कोई चीज है, और एक्सरे भी क्लियर आया है। तो भैया आप मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए ना, नहीं तो बेटा मेरा आंदोलन रुक जाएगा और मुझे कहीं ज्यादा दर्द होगा। रमेश बेटा प्लीज समझाओ ना इन्हें। भाई मनीष देखिए, अगर कुछ हो सकता है तो भाई, आखिर पेशेंट की विश भी तो कोई चीज होती है। ठीक हो कि मैं डिस्चार्ज करवा देता हूँ, वैसे भी आपके नाम कोई वारंट नहीं है। आइए। और अब तुम लोग भी लौट जाओ, मुझे भी अब धरने पर लौटना है। वैसे भी तेरी बिटिया को देखकर पैर का सारा दर्द ठीक हो गया, हाथ में कुछ धरना चाहिए इसके। रहने दो अम्मा, मुनिया को पैसों की नहीं, आपके आशीर्वाद की जरूरत है, ताकि बड़ी होके आप ही की तरह शिक्षा और ज्ञान का अलग जगा सके, जमाने और उनके बंधनों से लड़ सके। जाने के बाद पुलिस यहाँ कितनी बार आई? पुलिस तो आती रहती थी दीदी, तलाशी लेते हैं हमारे सामान की, पेटीकोट आंगिया चोली सभी सामान को दिखाकर हंसी टिटोली करते हैं। छी, नीचे साले। और दिक्कत तो ये है कि ना तो हमारे पास बंदूकें हैं और ना ही बम, और लाठियों का जमाना तो ये है नहीं। अरे वाह दीदी, तुम तो गांधी जी की अहिंसा को मानती थी। अस्पताल में कौन सा टॉनिक पी लिया कि सुभाष चंद्र बोस बन गई? मैंने गांधी जी को देखा है और सुभाष चंद्र जी के बारे में पढ़ा है मैंने, और समझ में अब ये आया है कि गांधी जी के अंदर कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस जरूर थे, और वैसे ही सुभाष चंद्र जी के अंदर गांधी जी। नहीं तो तुम ही सोचो कि गांधी जी इतने ज़िद्दी क्यों थे, क्यों उन्होंने सत्याग्रह किए, क्यों आंदोलन किए? उन्होंने कायरता के बदले हमेशा अहिंसा को चुना, लेकिन हाँ ज़रूरत पड़ने पर उन्होंने करो या मरो का नारा भी लगाया। मतलब ये हिंसा अहिंसा? हिंसा अहिंसा हर आदमी में कहीं ना कहीं ज़रूर होती है। देखो कोई भी आदमी मांसाहारी जानवर की तरह ना तो पूरी तरह हिंसक होता है, और ना ही घास चरने वाली बकरी की तरह अहिंसक।
एक आम आदमी अगर नाक रगड़ सकता है ना, वो अगर जरूरत पड़े ना तो बम भी पटक सकता है। अच्छा अच्छा, अब तनिक आराम कर लो, आते ही तुम्हारी खच खच शुरू हो गई। अब एक शब्द नहीं बोलोगी, मुंह बंद मतलब बंद। ठीक है, अरे आ गया बेटा। जी बाबूजी। कैसी तबीयत है समदन जी की? अब बिल्कुल ठीक, जैसे ही हम लोग पहुंचे वो तुरंत डिस्चार्ज होके अपने काम में जुट गई। अरे भैया, ऐसे ही कुछ सर्दी जुकाम हुआ होगा, सोचा होगा कि इसी बहाने बेटी दामाद और नातिन से मुलाकात हो जाएगी, इसलिए तार देकर बुला लिया। नहीं, वो ऐसी नहीं है, उन्हें सचमुच तकलीफ होती है उनकी। मैत्री तुम अंदर जाओ, नम्रता को भूख लगी होगी। बाबूजी कुछ तो सोच समझ के बोलिए, उसकी माँ बिचारी। अच्छा, क्या बात है। अरे भाई, ऐसा सास ने क्या सिखा दिया जो बहू के पक्ष में बोलने लगा? बहू के पक्ष और आपके विपक्ष का सवाल नहीं है, मैं मनुष्यता की बात कर रहा हूँ पिताजी। और अगर औरतें भी कभी कुछ अच्छा सिखाए तो उनसे भी सीखने में कोई हर्ज नहीं है बाबूजी। अच्छा, हाँ भाई, अब तो औरतों से भी सीखना होगा, जमाना जो बदल रहा है। कुछ भी कहो दीदी, इस तरह तुम्हारी सेहत को दांव पे लगाना मुझे खतरनाक लग रहा है। देश के नेताओं के बेईमानी से भरे दलदल से भी ज्यादा खतरनाक, या फिर उस बैल सरीखे मुख्यमंत्री की दलीलों से ज्यादा खतरनाक। गौरा, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि ये वही लोग हैं जो लड़ाई के वक्त औरतों के मशाल जुलूसों का नेतृत्व करते फिरते थे, और आज जब आजादी मिल गई तो सबने मुंह फेर लिया। एक कहता है थोड़ा बहुत देकर बहला दो, तो दूसरा कहता है जो दिया है उसे छीन कर इनकी औकात बता दो। पाखंड बढ़ गया है दीदी, क्या करें। लेकिन पाखंड की भी एक हद होती है गौरा, औरत जब तक घर पे बैठी रहे और बच्चे पैदा करती रहे ना, तभी ये मर्द खुश होकर उन पे एहसान करते हैं। फिर भी बेटियों को नहीं, बेटों को रोजगार देना चाहते हैं। जैसे मर्द होना ही योग्यता है, औरत होना मतलब अयोग्य, अशिक्षित, कमजोर। उठिए आप लोग, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? चेकिंग हो रही। ये चेकिंग करने का कौन सा तरीका है? मैडम आप चुप रहिए, वरना जबरदस्ती करना पड़ेगी हमको। रहने दो दीदी, इनका तो रोज का काम बन गया है हम पर आकर रौब झाड़ना। देख लीजिए, झोला किसका है? मेरा है, काहे? इसमें हाथ गोले निकले। क्या? ये झूठ है, ये साजिश है। कौरा? आप चिंता मत कीजिए दीदी, हम लोग देख लेंगे। जो भी आप कहना हो थाने में कहिएगा। चलिए। भारत के प्रधानमंत्री आज विदेश के दौरे पर निकल गए हैं। अब कुछ प्रादेशिक समाचार। आज लखनऊ में ग्राम सेविकाओं के धरने का 12वां दिन बड़ी नाटकीय परिस्थिति में समाप्त हुआ। धरने की लीडर भूतपूर्व सहायक विकास अधिकारी कस्तूरी देवी के झोले से दो हथगोले बरामद हुए। समाचार समाप्त। आप जाकर उन्हें छुड़वाइए ना। मैंने फोन किया था, उनकी जमानत नहीं हो सकती, जुर्म संगीन है। गुप्तचर विभाग ने रिपोर्ट दी है कि मुख्यमंत्री पर हमला करने की साजिश रची थी अम्मा जी ने। पर ये तो सरासर झूठ है। लेकिन झूठ को झूठ साबित करना बेहद मुश्किल है। तो उनसे मिलने चले, बोलो ना। अगर मिलना चाहती हो तो चलो। अम्मा,
ये क्या कर डाला अम्मा? ये तो होना ही था। औरतों के लिए शिक्षा और ज्ञान की बात करने वाले दरअसल एक षड्यंत्र की रचना करते हैं। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, इनका नकाब एक न एक दिन जरूर उतरेगा। मैंने कोशिश की है, आगे तू भी करना और फिर तेरी बिटिया भी करेगी, पर एक न एक दिन उजियारा आएगा जरूर और इसे लाने वाली भी औरतें ही होंगी। बाकी की ग्राम सेविकाओं का क्या रुख है आपकी गिरफ्तारी को लेकर? पता नहीं बेटा, मुझे तो अखबार भी नहीं दिया जाता पढ़ने के लिए। लेकिन कल गौरा आई थी, वो बता रही थी कि ग्राम सेविका कल एक मशाल जुलूस निकालने वाली है। चलिए चलिए, आपके मिलने के समय खत्म हो चुका है। खत्म नहीं, अभी तो हमारा समय शुरू हुआ है।